असलम दोस्तों इंडिया से में आपको वेलकम करता हूँ आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नाइन्थ की फिज़िक्स है चैप्टर नंबर टू का में ये टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स। अच्छा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अगर आपको तो पता होगा तो सिंपल सा फ़र्क है सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है इसके लिए आपको ये जो तस्वीर दी गई है टू इसको सिंपल से सिंपली आपको समझना है जो ये बात कर रहा है मैं आपको सिंपल से फॉर्म में बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए सिर्फ समझाने के लिए डेफिनेशन तो आप वैसे भी किताब से देख लेंगे अच्छा तो यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सिक्स किलोमीटर जो दिया हुआ है ये बीच में जो ग्रीन डॉट 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 में दिया हुआ है ये फ़ासला है अच्छा डिस्टेंस को, डिस्टेंस को हम किस तरह बयान करते हैं डिस्टेंस को कि एक जगह से दूसरे जैसे ये बताया ना अ पर्सन कैन यूज़ थ्री डिफरेंट बात अच्छा इसको छोड़ दूँ अच्छा कह डिस्टेंस किसको कहते हैं हम के एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना और उनके बीच में जो फ़ासला उसका होता है उनको हम डिस्टेंस कहते हैं ठीक है वो फ़ासला कई किस्म का हो सकता है जैसे कि हम कराची से जो है वो सखर जाना चाहते हों तो या कराची से हैदराबाद जाना चाहते हों तो हम क्या करेंगे कराची से डायरेक्ट हैदराबाद जो स्टेट आ, रास्ता जाता है जो शॉर्टेस्ट रास्ता बनाया हुआ है उसमें से जाते हैं या फिर हम कहीं से भी जाएँ हमें डायरेक्शन ना मिली हो कि आप जो है वो जाना है आपने इधर कराची से हैदराबाद लेकिन डायरेक्शन ना दी हुई हो कहीं से भी चले जाएँ हम कितना भी फासला तय कर लें तो ये हो जाएगा डिस्टेंस लेकिन हम कहें कि भाई कराची से इस तरफ जाना है कौन से तरफ जाना है ये वाला रास्ता दे के इस तरफ से जाना है तो यह क्या हो गया डिस डिस्प्लेसमेंट यानी कि शॉर्टेस्ट कम से कम रास्ता हो और डायरेक्शन दी हुई हो कि इस तरफ से यहाँ से जाओ कोई डायरेक्शन दे तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जहाँ डायरेक्शन ना मिली हुई उससे डिस्टेंस कहेंगे जैसे कि 16 किलोमीटर ये जो यानी कि ग्रीन के अलावा दोनों जो हैं एक 24 किलोमीटर है एक 16 किलोमीटर है ये पाथ बने हुए हैं ए टू बी तो ये दोनों क्या हैं डिस्प्लेसमेंट है अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच, बीच में फ़र्क बता रहा है अब ये कह रहा है कि द टोटल लेंथ कवर्ड बाई मूविंग बॉडी विदाउट मैंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्टेंस कितना किसे कहते हैं कि जो टोटल लेंथ जो कवर की गई हो किसी भी मूविंग बॉडी के थ्रू और उसमें डायरेक्शन मेंशन ना हो नहीं डायरेक्शन ना दी गई हो, हो तो वो हम डिस्टेंस कहेंगे लेकिन वही चीज़ कहता है कि डिस्टेंस मैड इन स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन ठीक है अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा सॉरी पर्टिकुलर उन्होंने गलती दे दी है पर्टिकुलर डायरेक्शन हो एक डिस्टेंस कवर्ड हो स्ट्रेट लाइन में और उसे एक डायरेक्शन दिया गया हो तो हम उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट अच्छा डिस्टेंस के बारे में कि ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि जो भी क्वानिटी स्केलर वेक्टर के बारे में मैंने दूसरी वीडियो बनाई हुई है उस पर आप समझ लीजिएगा ये डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है दूसरा अब ऐसा यूनिट जो है वो इसका क्या है डिस्टेंस का मीटर है जिसको एम से जाहिर करते हैं और इसका भी डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर ही है जिसको हम एम से जाहिर करते हैं अब यहाँ पर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पर्सन फ्राम ए टू बी आईधर सिक्सटीन किलोमीटर पर्पल पैथ आर ट्वेंटी फोर किलोमीटर रेड पैथ जो हम पहले से तस्वीर में देख चुके हैं वही है यहाँ पर दिस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन इज इज़्टी किलोमीटर सिक्स किलोमीटर फ्राम ए टू बी यू वेस्ट ऑफ ए अच्छा अब कहता है कि इसको डायरेक्शन दी गई है ए टू बी है जो सिक्स किलोमीटर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसलिए हम इसके डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ठीक है जी उम्मीद है मुख्तसर शार्ट वीडियो आपको समझ में आई या समझ में आई है तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ और आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें जजाकलाइकुम